नमस्कार, आप सबके स्टडी मेंटर पर स्वागत है। जैसे कि कल शाम में 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, आप सभी ने देखा ही होगा। इसमें जो पोस्ट की सीट जो संख्या है, जो नंबर पोस्ट है, वो है 562, 562 लगभग 625 सीटों की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। कल देखा ही होगा आपने नोटिफिकेशन, उसमें कुल 14 तरह के पोस्ट दिए गए हैं आयोग द्वारा। और ये भी बात उसमें स्पष्टता कही गई है कि जो वैकेंसी है उसकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। एक तो इसकी एप्लीकेशन की डेट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, जो कि अभी करेंटली जो उसमें नोटिफिकेशन में बताई गई है वो है 28 सितंबर से शुरू हो रही है और 20 अक्टूबर तक ये चले। हो सकता है आप बाद में एक्सटेंड करें, लेकिन उसकी जो है आपको वेट नहीं करना है कि हाँ लास्ट डेट तक मैं वेट करके फिर एप्लीकेशन डालूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको मतलब समय मिले बीच में ही किसी दिन डाल लेना है। कभी कभी होता है कि हाँ सर्वर को लेकर इशू आता है, तो मोस्टली जो है आप फ़ोन से या टैब है या लैपटॉप है तो रात में भी खुद से 10 बजे के बाद उसको ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसी इशू नहीं आएगी। एक उसमें प्रमुख बात ये आती है एप्लीकेशन के साथ साथ कि दूसरी बात हम कह सकते हैं इसमें ये आती है कि जैसे ऑप्शनल को लेके जो चयन को लेके डाउट होता है, तो इसको काफ़ी सोच समझ कर आप लोग जो है चयनित करिएगा जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हो। क्योंकि बहुत से बार हम देखते हैं अपने ग्रुप में, जो बीपीएससी मेंटर ग्रुप है वहाँ पे भी, कि जो ऑप्शनल आप ले लेते हैं उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए या इसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं, तो वैसे कॉन्टेक्स्ट में आपको बार बार दिक्कत। इस पर हमने एक वीडियो काफ़ी पहले किया था, काफ़ी अच्छा वीडियो है, मतलब एवरग्रीन वीडियो है, उसको जो है आप लोग एक बार देखिएगा कि ऑप्शनल के चयन के समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम ऑप्शनल का चयन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है। एक तिहाई मार्क्स का जो है वो आपके ऑप्शनल का भी हिस्सा होता है। उसमें जनरली अगर मैं ब्रीफली उस चीज़ को कंसाइज करूँ तो उसमें ये बातें होती हैं कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपका बैकग्राउंड है उसके साथ आपने मतलब पीजी किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, तो सामान्यतः अगर उसके साथ आप कंफर्टेबल हो तो उसको फॉलो कीजिए, ना कि कोई फ्रेंड बोल रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट ले लो वो ले लो, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी बैकग्राउंड हो या जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। एक दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप उसकी एनसीईआरटी की किताबें जो 12th लेवल की है उसको देखिए, और प्रीवियस जो मेंस के पेपर हैं उसको आप देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आप इसके आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ये चीज़ें करिए, दो तीन एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर आराम से बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके। एक चीज़ और करिएगा, मुझे जो लग रहा है कि जो भी 3-4 सब्जेक्ट आपको लगता है कि हाँ इन 3-4 में से कोई एक मैं ले सकता हूँ, तो उन 3-4 सब्जेक्ट का जो नॉन सोल पेपर होता है 30-40 रुपये का आई थिंक आता है, मार्केट में मिल जाता है मेंस का पेपर जो अनसोल्व है, जो सोल्व नहीं किया हुआ है, केवल क्वेश्चन पेपर, उसके पेपर्स को आप एक बार देख लीजिएगा मार्केट से लेके 3-4 का, मतलब 100 रुपये में तो सब हो जाएंगे जो भी 3-4 आप सब लिस्टेड कर रहे हैं सब्जेक्ट, हाँ इनमें से मुझे कोई एक लेना है। तो ये सबके साथ आती है समस्या, तो आप उसमें से 3-4 में से जो आपको बेटर लगे आराम से 2 दिन बैठ के घर पर रिसर्च करिएगा, उसको देखिएगा समझिएगा, देन जो है आप कोई भी ऑप्शनल जो चयन करना है उसको कर लीजिएगा। क्योंकि हर बार मेंस के समय ऐसा नहीं होता है, जैसे 65वीं के समय बीपीएससी ने ये ऑप्शन दिया कि हाँ अभी दिया है कि हाँ आप चेंज कर लीजिए जो भी ऑप्शनल आपको चेंज करना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, पहले वो नहीं दे रहे थे, हो सकता है अगले बार नहीं दे, बहुत ही मतलब सोच समझ के जो भी ऑप्शनल आपको चयनित करना है वो करना है। पोस्ट जो 14 तरह के पोस्ट्स हैं उसकी डिटेल में अभी हम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो उस समय वो जरूरी होता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। लेकिन अगर सामान्यतः हम बात करें तो इसमें जो पोस्ट हैं वो 14 तरह में अगर हम मतलब बात करें तो उसमें तो डीएसपी की है इस बार पोस्ट ठीक ठाक है, 34 सीट है, तो अच्छी खासी सीट मानी जाएगी। जिला समादेष्टा मतलब होमगार्ड कमांडेंट, इसकी भी 2 सीट है। उसके अलावा सीटीओ जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनका 11 पोस्ट हैं। नियोजन पदाधिकारी है, एक पदाधिकारी है। निर्वाचन सेवा बिहार इलेक्शन सर्विस की भी पोस्ट है। उसके साथ प्रोबेशन सेवा जो कि जेल में जो है जेल से रिलेटेड एक सर्विस है प्रोबेशन सेवा, इसमें जो कागजी कामकाज होते हैं उसको जो है देख रेख के लिए ये पोस्ट बनाई गई है। इसके अलावा एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, जिला अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, जो कि लेवल 7 में रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसको बाद में लेवल 9 में डाल दिया जाएगा। तो ये अच्छी पोस्ट है, जिला परिवहन पदाधिकारी, नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है। पहले ये पोस्ट जो है बीएएस के लिए थी, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारी उसमें जाते थे। अभी भी इसमें 2/3 सीट, जहां तक मुझे जानकारी है, 2/3 सीट
बीएस को दी गई है एक तिहाई सीट यहाँ से जाएगी और कुछ उसमें प्रमोशन से भी जाते हैं, जो कि जो परिवहन सब इंस्पेक्टर बनते हैं उनसे प्रमोशन के थ्रू भी वो, या अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उसके थ्रू भी बनते हैं। तो ये पोस्ट भी अच्छी है, जब प्रेफरेंस की बात आएगी उस समय हम लोग इस पर अच्छे से डिस्कशन करें। उसके अलावा नगर पालिका पदाधिकारी है, आपूर्ति निरीक्षक है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, राजस्व सेवा के लिए है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिसकी सबसे ज़्यादा सीट है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। जैसा आपको ध्यान होगा कि अभी पहले जो है ये पोस्ट बीपीएससी के थ्रू नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है इसको उसमें रखा गया है पिछले बीपीएससी से ही, तो 162 सीट उसमें भी है, तो सबसे ज़्यादा सीट उसमें है, जो अभी तक 66 आपको राजस्व सीईओ का जो पोस्ट होता है प्रखंड लेवल पे उसमें है। तो एप्लीकेशन की प्रोसेस जब भी शुरू हो आप एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान रखिएगा, ये मत कि कुछ स्पेलिंग का नाम का जो मिस्टेक है वो कर दीजिए, या कुछ ना कुछ गलती कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख लीजिए, या कैटेगरी जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं है वो बनवा ले पहले, क्योंकि जो 65वीं का मेंस है उसमें उन्होंने मांगा है कि प्रीलिम से पहले का आपका एप्लीकेशन डाला हुआ हो, तो आप पहले बनवा लें अभी आपके पास टाइम है। तो इन सब चीज़ों को कल ईडब्ल्यूएस अगर आपको बनवाना जनरल कैटेगरी में या अन्य कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन का जो भी चीज़ें हैं उसको बनवा लीजिए पहले ही, और फिर जब सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उस समय जब इंटरव्यू के समय मांगा जाएगा तो उस समय फिर फ्रेश बनवा लीजिएगा, लेकिन अभी एक बनवा लीजिए। किसी तरह का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए कि आपका जो दावेदारी है उसको कमज़ोर कर दे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के उसको बेहतर ढंग से आप जब भी एप्लीकेशन डालिए 28 के बाद या 28 से, तो उसको ध्यान में रख के अच्छे से उसको एप्लीकेशन डालिए, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस है उसको सबको अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान रख के एप्लीकेशन डाला। प्रीलिम्स पे हम पहले भी किताबों का कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस पर हम फिर से कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि उसको फिर से आपको इंट्रोड्यूस करें कि क्या क्या किताबें ध्यान रखनी है, कैसे पढ़ना है, इस पर पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं, लेकिन उसको फिर से रखा जाएगा। एक बात और जो ऑप्शनल को लेके है कि हाँ चयन करने का आधार, उसकी एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल हो के आपको किसी तरह का अफसोस हो, या जो भी डाउट होगा तो आप वहाँ कमेंट में डाल दीजिएगा, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और करता भी हूँ हमेशा से, तो जो जेन्युइन बातें होती हैं जरूर हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेशन। थैंक यू।